धन ना हमारो परम धन धन ना गमारो परम धन राधा परम धन राधा प्राण धन राधा परम मानस कहती है कि काम ही नार प्यार जमी लोभ ही प्रिय जमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहराम। हमारे गोलोकवासी बाबा पूज्य चंद्रशेखर जी एक ही बात कहते थे कि प्यारे जीवन में लखपति बनना, करोड़पति नहीं कहा है, लखपति कहा है। कि हमारे आचार्य गण श्री हरिदास ठाकुर जी का नाम जब दिन में एक बार 3 लाख हुआ करता है और हम 16 माला और 17 माला के पीछे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए प्यारे यही धन है हमारा, इसीलिए लखपति बनना जीवन में। और इस बात को जब हृदय में धारण कर लोगे तभी आगे की चढ़ाई आगे की पढ़ाई कर पाओगे। क्या धन ना परम
कृपा की आवश्यकता है, उतनी ऊंची आवाज निकाल के कहिए श्री राधे, श्री राधे। हो पाप गुनाहों से मुक्ति दिलाता, पाप गुनाहों से मुक्ति दिलाता। परिवार में एक संत का आना जाना, बड़े समय से आ रहे थे, पूरा परिवार अपना ही था, नित्य नाम की चर्चा चलती। तो एक दिन घर की माई बड़ी उदास थी। महाराज जी ने पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है? बोली कुछ नहीं, फिर भी आप बताइए अगर सही माने तो। तो कहने लगी, बाबा क्या बताऊं, मेरे दो पुत्र हैं। बोले दो? मैंने तो आज तक एक को ही देखा है। ए लाला, बोल राधे राधे, साथ वाले को कहो, बोलो राधे राधे, बात बात में करना। कहने लगी, मेरी
उदासी का कारण, चिंता का कारण एक ही है कि मेरा एक पुत्र ऐसा है जो दिन रात मदीना में रहता है, नशे में धुत रहता है, वेश्याओं के चक्कर में पड़ा है। उसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। बोले मैया मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले जैसे ही आपकी आवाज सुनता है दूसरे दरवाजे से चला जाता है। कहने लगे इस बार जब मैं आऊं तो उसे बताना मत, संत पधारे कुटिया में। वो प्रसाद पा रहा था, भोजन कर रहा था, इतने में महाराज जी सामने आकर खड़े हो गए। वो भागने लगा भोजन छोड़ के। महाराज जी ने गर्दन से पकड़ लिया। बोले इधर कहाँ जा रहा है? चुप रहा, भागने की कोशिश कर रहा है, हाथ छोड़ा है। कहने लगे बोल राम। कहने लगा नहीं बोलूंगा। महाराज जी कहने लगे बोल राम। कहने लगा नहीं बोलूंगा। महाराज जी ने एक थप्पड़ मारा, बोले बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले आज तो चाहे तेरे प्राण निकालने पड़े, राम तो बुलवा के रहूंगा, बोल राम। नहीं बोलूंगा। बड़ी बार कहा, गर्दन से पकड़ के फिर कहने लगे बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा राम। बोते बोल दिया, मेरा काम हो गया। बोले तेरी दीक्षा हो गई। मैंने कब लिया? अरे मैंने कह दिया, तूने बोल दिया, बात बन गई। बस याद रखियो जीवन में एक समय आएगा, इस नाम को बेचना मत। आखिर दिन रात शराब में नशे में धुत रहने के कारण उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। आए यमदूत, धर्मराज बैठे हैं, चित्रगुप्त बैठे हैं। फैसला होने लगा तो नरक सुनाया गया उसको, लेकिन एकदम चित्रगुप्त जी रुक गए। बोले रुको, इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, वो भी गलती से। अब नाम तो लिया है, इसका फल तो देना पड़ेगा। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि गलती से राम नाम लिया, अब इसका फल क्या दें? अब धर्मराज कहने लगे ये तो मुझे भी नहीं पता है कि एक बार राम नाम वो भी गलती से। बोले फल तो देना पड़ेगा, तो क्या करें? इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण, किसी परेशानी किसी दुविधा में हो? हाँ। इस जीव ने आज तक कोई पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन गलती से एक बार राम नाम लिए, बताओ इसका फल इसको क्या दें? अब नारद जी तो दिन रात नारायण नारायण बजते हैं। बोले मैंने तो फल की इच्छा की नहीं, मुझे क्या पता है? तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो फैसला करेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने भी यही उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या मालूम गलती से राम नाम लेने का। वो भी एक बार जिंदगी में ले लिया, उसका फल क्या दे? फिर कहने लगे एक काम करो, जो इस नाम को भजता है उसी के पास चलो, भोले बाबा के पास चलते हैं। कैलाश पर्वत पर गए तो शंकर भगवान से पूछा कि इसको फल क्या दिया जाए गलती से राम नाम लेने का। भोले बाबा मुस्कुरा दिए, उनका भी यही जवाब है कि मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मैंने तो कभी ऐसी चाहना ही नहीं की, तो फिर क्या किया जाए? बोले जिसका नाम है उसी से पूछ लो। अब वो जीव अड़ गया वहां पर। बोले क्या लगा रखा है तुमने? उसे याद आ गया कि संत ने कहा था नाम को बेचना मत। बोले तुम ही बता दो कि एक बार नाम लेने का क्या मोल तुम लोगे, क्या फल चाहिए? उसको वो बात याद आई। बोले मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर क्या किया जाए? अब चलना है, कहाँ चलना है? बैकुंठ चलना है। क्यों? जब से आया हूं कभी इधर कभी उधर, मेरे से नहीं जाया जाता। अब मैं थक गया, मेरे लिए कोई इंतजाम किया जाए। अब मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या इंतजाम? यहाँ क्या मिला है? कोई गाड़ी मोटर गाड़ी मंगवाओ ना। यहाँ कहाँ से आई? तो पालकी मंगवाई गई। पालकी में बैठ गए, एक तरफ पालकी। अब उठाए कौन? तुम ही उठाओगे, और कौन उठाएगा? एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ भोले बाबा, एक तरफ धर्मराज और एक तरफ नारद। पहुंचे हैं बैकुंठ, सरकार विश्राम में है। द्वारपालों को संदेश दिया गया, द्वारपाल अंदर गए। सरकार विश्राम में थे,
उन्होंने जैसे ही संदेश दिया तुरंत उठ गए, अरे भोले बाबा आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, तो अब तुम यही रुको, मैं स्वयं जाता हूँ। ठाकुर उठे, अपना पिताम्बर भी नहीं संभाला, नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं, वैकुंठ का दरवाजा स्वयं खोला, देखा तो सबकी हालत खराब थी, पालकी उठाए बैठे हैं कंधे पर। अरे भोले बाबा ये क्या दशा है गई, अरे सरकार अब आप ही फैसला करो, पालकी उतारे, पालकी मत उतारना, पता नहीं तुम फिर कहां ले जाओ, इसलिए उठाए रखो इसको। बोले चक्कर आ रहे हैं, उठाए रखो तुम। सरकार इसने कभी आपका नाम नहीं लिया, एक बार किसी संत के कहने से गलती से राम नाम ले लिया, तो बताओ इसको राम नाम का वो भी गलती से एक बार क्या फल दे। गोविंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे एक बार राम नाम लेने का इससे बड़ा फल क्या होगा कि जिसकी पालकी स्वयं भोले बाबा आप उठा के आए हो, जिसके लिए मैं स्वयं उठकर आया हूँ और बैकुंठ के दरवाजे खोले, इससे बड़ा और क्या होगा राम नाम लेने का फल। तो प्यारे ये नाम ऐसे वैसे मत समझना कि दीदी ने मनपसंद के भजन नहीं गाए, मैंने मोहन को बुलाया होगा, बुलाया है वो आता होगा, दीदी गाएंगी तभी कीर्तन होगा, पहले इतनी बड़ी लिस्ट दे देंगे, कीर्तन भी हमारी शर्तों पे होना चाहिए। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, नजर में सितारे जो चमके जरा तो बुझाने लगी आरती का दिया। मेरे ठाकुर जी कहते हैं जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी बस वहां वाही हो जानी चाहिए दीदी, नाचना कूदना करा दे बस, संकीर्तन से किसी को मतलब नहीं है, पर कोशिश करूंगी कि हमारे भैया जो पौधा लगा के गए हैं ये सब लुप्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए याद रखें राधा नाम रहता
जिसका अगले पल बिछड़ना है। गोपाली नाम कमाई जो करे, साची कहूं धन्य वो जीवन है। Oh,
बिहारी नहीं, ये तो प्राण जीवन धन लाल बिहारी झुको, बिहारी जी की भी प्राण धन है हमारी श्री जी। सखी बातुरी बातुरी सखी मधुरी बातुरी सखी माधुरी बंसी काकी जो महान कन्हैया को कल गान श्री राधा। अरे कृष्ण को मान है आन है शान है, सखी कृष्ण को गौरव गुमान श्री राधा। और भैया श्री रथ केस हूं की रत्ना, भैया श्री रथ केस हूं की रत्ना, भगवानों की भगवान श्री राधा। कौन कौन मानता है एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए। श्री रथ केस हूं की रत्ना, भगवानों की भगवान श्री राधा। प्राण सजीवन जो या ब्रज को, भैया कृष्ण की जीवन प्राण श्री राधा। कृष्ण की भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व पवन तत्व साध की आवाज कम करो। श्री कृष्ण के जीवन प्राण है राधा, प्राण जीवन धन लाल बिहारी जू को वार पीवत नित पानी, हमारे श्री जू के ऊपर से वार कर पानी पीते हैं मेरे लाल। भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व पवन तत्व, भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व पवन तत्व, व्योम तत्व ब्रह्म तत्व विष्णु तत्व होरी है, व्योम तत्व ब्रह्म तत्व विष्णु तत्व होरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व आनंद प्रसिद्ध तत्व, सनकादिक सिद्ध तत्व आनंद प्रसिद्ध तत्व, शेषु गणेश तत्व शिव तत्व भोरी।
नर को तत्व देखो, नारद सुरेश तत्व नेति नेति जोड़ी है, शरण शंभु गिरजा गणेश से, कौन कौन श्री जी की शरण में है जरा दोनों हाथ उठा के कहे तो श्री राधे। माइक वाले ना बोले, आपकी आवाज में दम देखना है कितना है, कहे तो श्री राधे। पीछे वालों की आवाज नहीं है, जरा जोर से कहो श्री राधे। हमारी महारानी जय हो, हमारी महारानी राधा रानी। अर काहू को शरण शंभु गिरजा गणेश से, काहू को शरण शंभु गिरजा गणेश से, काहू को शरण है कुबेर जैसे धोरी की, काहू को शरण है कुबेर जैसे धोरी की, काहू को शरण मच्छ कच्छ बल शरण बोध बामन करा हव्या, काहू को शरण बोध बामन करा हव्या, काहू को शरण बोध बामन करा हव्या, काहू को शरण बोध बामन करा हव्या। यही निराधार सदा रहे मति मोरी की, यही निराधार सदा रहे मति मोरी की, आनंद करण विधि चंचित चरण ये, ये हटी को शरण भानु की किशोरी की, हट्टी को शरण वृष भानु की किशोरी की, अरे हट्टी को शरण वृष भानु की किशोरी की, हट्टी को शरण वृष भानु की किशोरी की। हमारी महारानी श्री राधा, हमारी महारानी सिरा।
अभी आज जब हम श्री धाम से यहाँ आए हरदासी भैया के साथ बैठे थे तो चर्चा चल रही थी कि परम पूज्य संत महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज, तो भैया का कहना था कि महाराज जी कह रहे थे कि जो लोग कहते हैं कि हमें प्राप्त करना है प्रभु को, आप कह रहे हो, लेकिन प्राप्त तो वो हो चुका है, वो तो सहज प्राप्त है। महाराज श्री का कहना है वो प्राप्त है पर हमें प्राप्ति करनी नहीं आ रही। ये जो आप बरसाना वृंदावन जाते हो, कभी सोचा है कि बार बार क्यों जाते हो? एक बार दो बार जाने से बात बन जाती है, लेकिन बार बार किस लिए जाते हो? जब जब जाते हैं बरसाना नित नया होता है। हर आया हुआ वहां रसिक भक्त एक ही बात मुख पे होती है, मैं अधिकतर सुनती हूँ, आज श्री जी कितनी सुंदर लग रही है। तो एक दिन को स्वामी जी कहने लगे कल नहीं सुंदर लग रही थी, वो तो नित्य सुंदर है। बोले नहीं आज कुछ ज्यादा है, अगले दिन आएगा फिर कहेगा आज और भी ज्यादा है। ये बरसाना नित्य नूतन है, वो सहज प्राप्त है, हमें प्राप्ति करनी नहीं आ रही। भोजन भी है जो फोन करते हैं दीदी मैंने सिर्फ सुना सुना है, हिमाचल से फोन आया था मुझे, बोले आज तक मैं इतने भी पैसे नहीं जोड़ पाई कि वृंदावन का किराया इकट्ठा कर सके। और एक हम है, जब श्री जी किसी ना किसी के अंदर आकर कह देती है प्यारे आजा, हम लाड में इतने बिगड़ गए, हम कहते जी अभी समय नहीं आएंगे, अभी समय नहीं है, जल्दी आते हैं। हमें अधिकार दे दिया है कि हम मना भी कर देते हैं, लेकिन प्यारे प्राप्त है वो, वही श्री जी हैं, वही लाडली है, वही बिहारी जी हैं, वही राधा रमण जी हैं, आपके सामने हैं। तेरा गोविंद तेथों वक नहीं तेरी वेखण वाली। और प्राप्ति का अनुभव क्या है आप कैसे? अरे प्राप्त है, सहज प्राप्त है। अरे हमको बुला लिया है बरसाने लाडली, वो तो विराजमान है, अब आपको आनंद रस कैसे लेना है आपकी मर्जी। बढ़कर कर ओई कोई और चाहना है तो मत गाना प्यारे, लेकिन जिसको इसी में प्राप्ति है कि श्री जी के यहाँ आना जाना है, मेरा नाता है बरसाने से, वो मिलकर मेरे साथ अपने मन को समझाइए। हमें किसी को नहीं सुनाना है, हमने अपने मन को सुनाना है प्यारे, और कहाँ ढूंढ रहा है। हमको बुला लिया बरसाने लाडली, बोलो अपना मना लिया है, अपना बरसाने लाडली ने हमको बुला लिया है बरसाने लाडली ने।
करुणा भरी नजर से श्री जी ने जब निहारा करुणा किस्मत मेरी बदल दी कृपा का कर इशारा किस्मत मेरी बदल दी कृपा का कर इशारा हाँ करुणा भरी नजर से किस्मत मेरी बदल दी कृपा का कर इशारा किस्मत मेरी बदल दी कृपा का कर इशारा कृपा का कर इशारा खाली महल में नहीं बिठाया खाली चरणों में नहीं बिठाया पलकों पे बिठा लिया पलकों पे बिठा लिया बरसान लाड़ी ठाकुरानी संग बिराजे ठाकुर जो देखा आके ठाकुरानी संग बिराजे ठाकुर जो देखा आके अरे भटका था दर बदर पे मंजिल मिली ना ठाकुर बरसान में बिराजे ठाकुर जो देखा कर बरसान में बिराजे ठाकुर जो देखा कर ठाकुर जो देखा हमें ठाकुर
ठाकुर मिला दिया है। कान्हा से मिला दिया है, बरसाने लाडली बरसाने लाडली पिता दिया है। बरसाने लाडली हमें अपना बना लिया है,
झलक आपकी जिसने भी देख ली एक झलक आपकी वो ही पागल बना और दीवाना बना 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 गरज है किशोरी हमें आपकी से गरज है किशोरी हमें आपकी इनको बाकी लगता है कि हमारी किशोरी जी के बिना कोई नहीं है दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए गरज है किशोरी हमें आपकी से गरज है किशोरी हमें आपकी से ना मतलब जहां में हमें अब किसी से मतलब जहां में हमें अब किसी से गरज है किशोरी हमें आपकी से गरज है किशोरी हमें आपकी से और विरद आपका मैंने जब से हरिदासी बना दिया है हरिदासी बना दिया है बरसाने लाडली हरिदासी
हरिदासी बना दिया है बरसाने लाडली ने हमको बुला लिया है बरसाने लाडली हमको बुला लिया है बरसाने लाडली ने। अब मेरी श्री जी सुनना चाहती हैं आपके मुख से किस किस पर कृपा हुई है, बोलिए जरा। हमको बुला लिया बरसाने लाडली। जो जो बोलेगा जीवन में आने वाली बाधाएं कोसों दूर चली जाएंगी, क्योंकि वो भी समझ जाएंगी ये कहीं और का नहीं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए जरा जोर से बोलिए, अरे हमको इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इस इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, अब निगाहों से बचकर कहां जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। हरिदासी हरिदासी बना दिया है बरसाने लाडली। इसलिए भैया ये नाम प्रेम का सार, तू भज श्री राधा राधा, अरे मन पावरे नाम उचार, तू भज श्री राधा राधा। कब तक भव सिंधु डोले तेरी नाम खाए हिचकोले, अब पकड़ एक पतवार, तू भज श्री राधा राधा। फिर हो भव सिंधु से पार, तू भज श्री राधा राधा। और रही जन्म जन्म से निर्धन, ये नाम ही है सच्चा धन, यही करे तेरा उद्धार, तू भज श्री राधा राधा। और नित्य बहे प्रेम की धार, तू भज श्री राधा राधा। हरिदासी बनाया, अरे प्यारी का धाम बरसाना, प्यारी का धाम बरसाना, बा कर ले आना जाना, प्यारी का धाम बरसाना, बा कर ले आना जाना, अरे यही है सच्चा दरबार, तू भज श्री राधा राधा, तू भज श्री राधा राधा। और मुख से कह एक बार आप भी जरा दोनों हाथ ऊंचे करके, श्री राधा 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 राधा। ¡Gracias!
जब से मेरा बरसाने में आना जाना हो गया, मुक्त होकर बस बरसाने में ही बस जाने को जी करता है। एक बार खुदा ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, खुदा ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहां बरसाना है, पूछ लिया क्या वहां बरसाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहां बरसाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहां बरसाना है। खुदा ने पूछ लिया अरे बैकुंठ जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहां बरसाना 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 है। खुदा ने पूछा ऐसा क्या है तेरे बरसाने में, तो मैंने भी चौड़े होकर कह दिया अरे कहां है स्वर्ग में, कहां है स्वर्ग में ऊंची अटारी के दर्शन, और ना ही रंगीली गली और ना ही गहवर वन, कहां है स्वर्ग में ऊंची अटारी के दर्शन, ना ही रंगीली गली और ना ही गहवर वन, मेरा तो ख्वाब फकत उनको ही रिझाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहां बरसाना 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 है। और भैया स्वर्ग में कहां है ध्वनि राधा राधा नाम की, स्वर्ग में कहां है ध्वनि राधा राधा नाम की, स्वर्ग में कहां कुंज यमुना ललाम है, स्वर्ग में कहां कुंज यमुना ललाम है, स्वर्ग में कहां भीड़ गोपियों गवालों की, स्वर्ग में कहां मक्खन चोर भगवान है, स्वर्ग में कहां मक्खन चोर भगवान है, स्वर्ग में कहां सरस ब्रज भाषा का प्रचार प्यारे, स्वर्ग में कहां कुंज यमुना ललाम है, स्वर्ग अब वर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, स्वर्ग से भी प्यारा मेरा बरसाना गांव है, ओ स्वर्ग से भी प्यारा मेरा बरसाना गांव है, स्वर्ग से भी प्यारा प्यारा, स्वर्ग से प्यारे तो कई दर्शन हैं। एक बहुत विशेष बात और जरा ध्यान देना, अरे कहां देखूंगा
गोविंद को रिझाते हुए कहां देखूंगा, गोविंद को रिझाते हुए रूठी राधा के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए कहां देखूंगा, गोविंद को रिझाते हुए रूठी राधा के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए। अरे यहां के मान मंदिर का, मान मंदिर का यहाँ हर कोई दीवाना है, मान मंदिर का यहाँ हर कोई दीवाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहां बरसाना है, इसलिए पूछ लिया क्या वहां बरसाना है। अरे कहा एक बात और जो भी आपने भैया से सुनी कि कहाँ आनंद होगा लठ मार होली का, मार होली का और कहां रस पान होगा मधुर ब्रज की बोली का। मुझे उन चौक चौबारों का, चौबारों का, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बधाना पड़े। बरसाने में रहने के लिए शर्तें मत रखना, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बधाना पड़े। जल भोजन की परवाह ही नहीं करके व्रत जीवन बिताना पड़े। अभिलाषा नहीं सुख की मुझको, दुख नितिन वीन उठाना पड़े। पर बरसाने से बाहर किंतु किशोरी मुझको कभी भूल ना जाना पड़े, कभी भूल ना जाना। मैं तो तुम्हारे आया हूँ, मैं तो तुम्हारे आया हूँ, मन में उम्मीदें लाया हूँ, बरसाना मुझे बसा लो, बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो, चरणों का दास बना लो, क्योंकि वृष भानु लली बहुत बली, बिगड़ी तस्वीर बना देगी। वो रीझ गई तो कर्मों की, सोई तकदीर जगा देती, सोई तकदीर जगा देती, सोई तकदीर जगाएगी, सोई तकदीर जगा देगी। हकीकत यही है, प्यारी के हकीकत यही है कि मैं काबिल नहीं हूँ तुम्हें आजमाने को, मैं आ गया हूँ के गुनाह बख्शे जाते हैं तेरे दर पर, के गुनाह बख्शे जाते हैं दर पे तुम्हारे,
के यही सोच परसाने में आ गया हूँ के बनेगी या बिगड़ेगी के बनेगी या बिगड़ेगी कुछ भी ना जानूं मगर सर झुकाने को मैं आ गया हूँ। इस दास का गम जमाने से कम है अरे फिर भी सुनाने को आ गया हूँ। अरे भी सुनाने बिगड़ी तकदीर बनाने के लिए आया हूँ। बिगड़ी तकदीर बनाने के लिए आया हूँ। दिल का हर जख्म दिखाने के लिए आया हूँ। मेरी मुश्किल आसान हो जाए। मुश्किल आसान हो जाए। मेरी मुश्किल आसान हो जाए। जय जय। यही पुकार हमारी विनोद भैया की भी रही होगी। मैं बीमार हूँ कुछ दवा चाहता। मैं बीमार हूँ कुछ दवा चाहता। बीमार हूँ कुछ दवा चाहता। कुछ दवा चाहता हूँ। मैं अटारी की ताजी हवा चाहता हूँ। मैं अटारी की ताजी हवा चाहता हूँ। अटारी की ताजी हवा चाहता हूँ। अटारी की ताजी हवा चाहता हूँ। नहीं तुझसे शामा वफा चाहता हूँ। अटारी की ताजी हवा चाहता हूँ। मैं अटारी की ताजी हवा चाहता हूँ। बस इतनी पुकार सुनते ही भैया को भी दामन में छुपा लिया। आंचल में छुपा लिया बरसान लाड़ी। आंचल में छुपा लिया है बरसान लाड़ी ने। उन्हें अपना बना लिया लिया है। अपना बना लिया है बरसान लाड़ी ने। बना लिया है बरसान लाड़ी ने। क्योंकि भैया राधा रानी से मोहब्बत किसी बारिश का नाम नहीं। जो बरसे और थम जाए राधा रानी से मोहब्बत मोहब्बत किसी बारिश का नाम नहीं। जो बरसे और थम जाए मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। राधा रानी से मोहब्बत किसी बारिश का नाम नहीं। जो बरसे और थम जाए राधा रानी से मोहब्बत किसी सूरज का नाम नहीं। जो चमके और डूब जाए अरे राधा रानी से मोहब्बत नाम है सांसों का।
राधा रानी से मोहब्बत नाम है उन सांसों का, जो चले तो जिंदगी और रुके तो मौत बन जाए। आंचल में आंचल में आंचल में सुपारिया के जो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वो केवल यही श्रद्धांजलि दे, सीधे हाथ उठा लीजिए, जिनके हाथ नीचे उनसे भी निवेदन है कि हमारे भैया को भी श्री जी ने अरे गोपी बना लिया है, गोपी बना लिया है। सरकार, ये मेरी श्री जी की लीला है।